ये जो भारतीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान है नई दिल्ली में, और उससे द्वारा बनाया गया है वह प्रकाश प्रपंच, जो कि एक हेक्टर के लिए एक बहुत है, या तो वो लगा सकते हैं या दूसरा लगा सकते हैं, जो कि 4 या 5 लगा दे एक हेक्टर में, और इनके वयस्क कीड़ों को इकट्ठा करके किसी गड्ढे में डाल दें, और उसमें केरोसिन या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। और अब आखिर में ये भी कंट्रोल बचता है जो कि रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करना। इसके लिए बुआई से पहले क्लोरपाइरीफॉस 2% ग्रेन्यूल डाल दें, जो कि 16 kg पर हेक्टर के हिसाब से डाल दें, बाद में ट्रैक्टर चला दें, या फिर स्प्रे कर दें क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से, और बाद में ट्रैक्टर चला दें, जो जमीन को जोत दें और अच्छी तरह से मिट्टी में मिला दें। और अब दूसरा और स्प्रे के लिए जो खड़ी फसल में है उसमें क्लोरपाइरीफॉस का, जैसे कि क्लोरपाइरीफॉस 20 EC का स्प्रे भी कर सकते हैं 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से, लेकिन अगर बुआई से पहले कंट्रोल हो जाए तो ये बहुत अच्छा रहता है, बाद में इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये ज़मीन में रहता है और ज़मीन में इंसेक्टिसाइड डालना खड़ी फसल में बहुत ही मुश्किल है। और दूसरा कीड़ा है कि दीमक सड़ी गली वस्तुओं को भी खाता है, जैसे कि फसल के अवशेष हैं उसको भी खाता है, तो फसल के अवशेषों को अच्छी तरह बुआई से पहले अच्छी तरह से इकट्ठा करके जला दें, इसको रहने न दें, क्योंकि ये फसल के अवशेष में जो सेलुलोज होता है इसको खाता है, और ये बांबी बनाकर कुछ टर्माइट की जो दीमक की जो कुछ प्रजातियाँ हैं बांबी बना करके रहती हैं, उस बांबी को खेत के चारों तरफ निरीक्षण करके उसको पहचान करें, उसको या तो नष्ट कर दें या फिर उसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड का जो गोलियाँ आती हैं उसको एक गोली उसमें डाल दें, और अच्छी तरह से गीली मिट्टी या गोबर से ढक दें, जिससे कि उससे फॉस्फिन गैस निकलने वाली रहती है, वो ये मतलब श्वसन संबंधित कीटना मतलब जहर है तो उससे वो मर जाती हैं, या फिर सबल से बीचों बीच उस बांबी के बीच में डाल करके चारों तरफ से घुमा दें, क्योंकि बीचों बीच उसकी रानी रहती हैं जो कि अंडे देती हैं, वो श्रमिकों को पैदा करती हैं, नहीं तो श्रमिकों को के कंट्रोल करने के लिए खेत में, अगर ये सब नहीं होता है श्रमिकों को कंट्रोल करने के लिए क्लोरपाइरीफॉस का स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि सफ़ेद सुंडी या लट के लिए दिखाया गया है, या फिर बुआई से पहले ग्रेन्यूल्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि क्लोरपाइरीफॉस 2% ग्रेन्यूल्स 16 kg पर हेक्टर के हिसाब से, और बाद में मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। धन्यवाद।